बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हनान और आप देख रहे हैं हनी स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं ट्रांसलेटर ऐप हम कैसे बना सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज को हम अपनी ऐप की मदद से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जो है इंग्लिश को उर्दू में, हिंदी में या उसके अलावा जो है हम किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं किसी भी ज़ुबान के अंदर, वो हम कैसे जान सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है इसी बारे में बात करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि आप इस तरह की ऐप जो है कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग जो है इस किस्म की ऐप जो है यानी कि ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन के ऊपर क्लिक करते सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकॉन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप हमारी वीडियोस को देख पाएँ सबसे पहले। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमें भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ताकि हम इस तरह की और न्यू मजीद वीडियोस लेकर आप लोगों के साथ हाजिर होते रहें। या आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के मुतालिक या ऐप के मुतालिक तो भी आप लोग हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत जल्द उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं अपनी ऐप का ओवरव्यू। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि हमारी ऐप जो है कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ऐप है, ऊपर हमने एक जो है लोगो लगाया और साथ में टेक्स्ट लिखा है और शेयर बटन लगाया है ताकि हम जो है अपनी ऐप को या कोई भी फ्रेंड जो है हमारी ऐप को शेयर कर सकें। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, हम यहाँ पर जैसे ही कोई टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, हाउ आर यू, और यहाँ से हम जो है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं उर्दू में करना चाहता हूँ, उर्दू में करेंगे तो यहाँ से ट्रांसलेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास आ चुका है कि आप कैसे हैं। अगर ऐसे ही हम लोग जो है यहां से लैंग्वेज चेंज करते हैं, हिंदी कर देते हैं, अब ट्रांसलेट करेंगे तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि वो हिंदी में लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह आप जो है किसी भी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। ये देखें, कोई भी लैंग्वेज जो है आप लोग यहाँ से चूज़ करके उसे उसी लैंग्वेज के अंदर आप जो है यहाँ से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो ये नीचे आप लोगों को कॉपी का बटन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप जो है डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं किसी भी ऐप के अंदर तो आप यहां से शेयर बटन के ऊपर क्लिक करके आपके पास आपके तमाम ऐप्स आ जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली उसे जो है शेयर कर सकते हैं। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी ऐप के बारे में और आप लोगों को बताएँगे कि आप इस तरह की ऐप जो है कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हम बैक प्रेस करते हैं तो यहाँ आप लोगों को एक नोटिफिकेशन भी नज़र आएगा जो कंफर्म करेगा वाकई आप जो है इस ऐप को जो है क्लोज़ करना चाहते हैं। उसके साथ हमने शेयर बटन एक और लगाया है ताकि जो है कोई भी हमारी ऐप को शेयर कर सके किसी भी जगह पर सोशल मीडिया के ऊपर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस ऐप को हम कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं अब हम अपने जो है थंकेबल ऐप के अंदर, क्योंकि ये ऐप हमने बनाया है थंकेबल के अंदर। आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ ब्लॉक्स, सॉरी डिज़ाइन में आप लोग यहां देख सकते हैं हमने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया ये वाला। उसके बाद फिर हमने जो है लेबल लिया स्पेस के लिए, फिर एक इमेज लगाई, फिर लेबल लिया स्पेस के लिए, फिर लेबल के अंदर हमने जो है टेक्स्ट लिखा, फिर हमने लेबल स्पेस के लिए लगाया और शेयर बटन दिया। उसके बाद हमने जो है वर्टिकल अरेंजमेंट ली, वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ली, उसके अंदर हमने एक लिस्ट स्पीकर लिया और उसके बाद हमने रिज़ल्ट वाला जो है लेबल लगाया, लेबल जहां पर हमारा जो है रिज़ल्ट शो होगा। नेक्स्ट में हमने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ली, उसके अंदर बटन लगाया ट्रांसलेट वाला जिसे हम प्रेस करते हुए अपने जो है ट्रांसलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया, उसके अंदर हमने जो है दो बटन लगाए कॉपी और शेयर का। उसके बाद हमने जो है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक और ली जिसके अंदर हमने जो है अपना एड मोब बैनर लगाया। फिर हमने यहां से ट्रांसलेटर यूज़ किया येंडेक्स का और नोटिफायर लगाया, शेयरिंग वाला लगाया और यहां से क्लिपबोर्ड का एक्सटेंशन हमने लगाई।
तो ये जो एक्सटेंशन है आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसकी AIF फाइल आप लोगों को अभी नहीं मिलेगी जब तक हमारी जो है वीडियो के ऊपर 10 लाइक जो है नहीं हो जाते, हम आपको जो है इसकी AIF फाइल नहीं देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ब्लॉग से दिखा दूंगा, वहां से जाकर अपनी खुद की ऐप यहां से बना सकते हैं। हमने ये बैनर ऐड और इंडस्ट्रियल ऐड इसलिए लगाए हैं ताकि आप लोग इस ऐप की मदद से अर्निंग भी कर पाएँ। तो अब हम आप लोगों को ले चलते हैं ब्लॉग्स के अंदर। तो आप लोगों को ट्रांसलेटर बता दूँ कि हमने ट्रांसलेटर कहाँ से लेना है। इसके लिए मीडिया, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये इंडेक्स ट्रांसलेटर, इसे हम उठाएंगे और उठाकर यहाँ पर रख देंगे। अब हम चलते हैं ब्लॉग्स के अंदर। ब्लॉग्स में आप लोगों को बता देता हूँ, अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी स्क्रीन जो है इनिशियलाइज होती है, हमने लोड करवाया बैनर ऐड और एडमोब इंडस्ट्रियल ऐड को, और उसके बाद हमने लोड करवाए जो है लिस्ट स्पीकर के एलिमेंट्स को, जो हमने जो है वेरिएबल बनाया था एक ग्लोबल वेरिएबल, जिसके अंदर हमने लिस्ट रखी है अपनी तमाम लैंग्वेजेस की, जिस जिस लैंग्वेज में हम इसे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि जब जो है हम लिस्ट स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा लिस्ट स्पीकर का टेक्स्ट जो है वो लिस्ट स्पीकर की सिलेक्शन में जो है कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि जो है लिस्ट स्पीकर की सिलेक्शन जो है वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग जो है बटन क्लिक करें, हमारा इंडस्ट्रियल ऐड लोड हो जाए, अगर तो जो है टेक्स्ट बॉक्स खाली है जिस जो हमने ट्रांसलेट करना है, तो हमारे पास एक नोटिफायर शो होगा जिसमें लिखा होगा प्लीज़ राइट समथिंग फास्ट। अगर जो है उसमें कुछ लिखा होगा तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रांसलेट, हमने यनडेक्स का ट्रांसलेटर लिया, यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर ये वाला जो है ब्लॉक ले लेंगे। इस ब्लॉक के अंदर हम लगाया लिस्ट स्पीकर टेक्स्ट, लिस्ट स्पीकर टेक्स्ट, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना है। फिर नेक्स्ट में जो है हमने एक शेयर का जो बटन लिया था उसके अंदर हमने ये अपनी जो है लगा दी, इसमें हमने अपना डाउनलोड लिंक दे दिया, और उसके बाद कॉपी के अंदर भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोगों को पहले भी बताई हुई हैं। कॉपी और शेयर बटन हम यानी कि कैसे लगा सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ तमाम जो है शेयर किया हुआ है। उसके बाद आपने जो है मेन चीज़ वो ये है व्हेन जो है ट्रांसलेशन हो जाए तो क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट टेक्स्ट टू ट्रांसलेशन, यानी कि जो हमने यहाँ पर रिज़ल्ट वाला लेबल लिया था इसका जो टेक्स्ट है वो ट्रांसलेशन में जो है कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये इसका सादा सा ब्लॉक है, तो मैं जो है छोटा करके भी आप लोगों को तमाम दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखें ये जो है ब्लॉक्स हैं जिसकी मदद से आप लोग जो है इस ऐप को बना सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है AIF फाइल लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग इसके ऊपर 10 लाइक्स कंप्लीट कीजिए तो आप लोगों को AIF फाइल की लिंक मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐप की लिंक दूँगा जिससे आप लोग अपने मोबाइल के अंदर जो है इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई भी सजेशन हो आप हमें दे सकते हैं ताकि हम इसमें मज़ीद जो है चेंजिंग कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमें भी कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और उसके अलावा जो है अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के मुताबिक तो भी आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन के ऊपर क्लिक करते हुए सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने हुए बेल आइकॉन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप हमारी वीडियोस को देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक कल मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।